नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर आर बी एन टी पी सी GKGS का मॉडल पेपर 91। इसके पहले मैं आपको 90 मॉडल पर बता चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमने एक नई वीडियो सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसमें आपके लिए मैं डेली 100 MCQ टॉप 100 MCQ लेके आता हूँ। हमने ये आपको रिवीजन क्लास स्टार्ट करी है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें हम आपको कट ऑफ भी बताते हैं। हम हर मॉडल पर हर जो ये टेस्ट लेके आता हूँ, मैं इसमें आपको कट ऑफ डिसाइड कर देता हूँ। पहले इसमें कट ऑफ जिसके भी मार्क्स 70+ मार्क्स आ रहे हैं, मतलब उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। मतलब आप इस टेस्ट को देखिए, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितने पानी में है। इसका लिंक मैंने यहाँ पर ऊपर आई का बटन है, आई के बटन पे दे दिया है, और नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सबसे ऊपर ऊपर आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर आई का बटन है, आई के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। 30 से 40 मिनट का हमारा ये टेस्ट होता है। 30 से 40 मिनट के टेस्ट में अगर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिवीजन है इसका। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो समझिए, अगर आपको जब आपके 80+ मार्क्स आने लग जाए, मतलब समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए अभी तो हम आज का हमारा जो 91 नंबर का मॉडल पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का, वो देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वही प्रश्न है जो रेलवे पूछ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हर वीडियो में पुराने वीडियो से 2 से 3 प्रश्न में रिपीट करता हूँ, जिससे आपका रिवीजन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के आखिरी में आपको इस मॉडल पेपर में बताना है, अपने आरआरबी जोन का नाम बताना है, और आपके मार्क्स 40 में से कितना है, दोनों चीज़ जरूर बताना है, जिससे कि ये पता पड़ जाएगा कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे साथ देना है। फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उपग्रह। क्या कहा जाता है उसे? उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। किसने कराया था चार मीनार का निर्माण, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कुली कुतुब शाह। किसने करवाया था चार मीनार का निर्माण? कुतुब शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है, इनमें से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वसा। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ रहा तो फटाफट डेली की तरह फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कम से कम 5 अपने दोस्तों या फिर ग्रुपों में आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जहाँ पर बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा ये वीडियो उसके लिए। और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बेंगलुरु। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित। बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न वाला, मैंने बहुत वीडियो में रिपीट करा है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। चलिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिन्होंने 2 बार शासन किया। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हुमायूं। हुमायूं ऐसा मुगल शासक है जिसने 2 बार शासन किया है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटेनियम में से किसका उपग्रह है। आपको बताना है कि सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किस निम्न में से किसका उपग्रह है। आपको बताना है कि जो यहाँ पर ग्रहों के नाम दे रखे इनमें से टाइटन किसका उपग्रह है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शनि का। किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी इस्लाम धर्म की स्थापना, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 7वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 21 सितंबर। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस? कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो मुख्यतः किसको प्रभावित करती है इनमें से, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे,
इसका सही उत्तर होगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता, जो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता होती है उसको यह प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा, देखिए मिश्र धातुओं के जो गलनांक होते हैं उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न होते हैं, क्या होते हैं, निम्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। कितनी बार बने थे, एक बार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, आपको बताना इनमें से कौन सा रूपांतरित तने की श्रेणी में आता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर आलू, आलू एक रूपांतरित तने की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर मौर्य, किसने किया था, मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था इस आदर्श वाक्य को कि वेदों की ओर शरण लो, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक स्थलों में से में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि जो सिखों का धार्मिक स्थल है इनमें से कौन सा भारत में नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ननकाना साहिब, ननकाना साहिब है जो कि भारत में नहीं, जबकि नांदेड़, पोंटा साहिब और केशगढ़ साहिब ये तीनों ही भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है कि एक जैव पद्धति कौन सी जिसमें पराश्रव्य अल्ट्रावायलेट रेस का प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताएंगे उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर सोनोग्राफी, क्या होता है, वो सोनोग्राफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई, आपको सन बताना जब भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 1843 में, कब की गई थी, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, आपको बताना है कि किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध थे नंदलाल बोस। इसका सही उत्तर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर चित्रकला, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो देखिए ब्राउजर लिंक ये दोनों इंटरनेट संबंधित होता है और सर्च इंजन भी इंटरनेट से संबंधित होता है, यहाँ पे पूछा गया इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है वो इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है, तो किसने लिखी है ज्ञान योग कर्म योग राजयोग नामक पुस्तकें, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर स्वामी विवेकानंद, किसने लिखी है, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देवास में, कहाँ पर स्थित है, देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कौन सी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसी चिपो का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है आईसी चिपो का निर्माण, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सेमीकंडक्टर से, किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है, बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है हमारे वीडियो में, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्रिकेट, चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं, आपको बताने में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, देखिए माउस प्रिंटर मॉनिटर तीनों ही हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी, आपको बताना इनमें से कौन सा अंडज स्तनी है, इसका सही उत्तर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मोनोट्रीम, कौन सा होता है, मोनोट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष में हुआ था, कब हुआ था इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 570 ईस्वी, कब हुआ था 570 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलों की दिशा गति को मापने वाले यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेफोस्कोप, क्या कहते हैं उसे हम, नेफोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अभी भी चेंज किया गया था थोड़ा समय पहले, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इंदौर, कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, आपको उस देश का नाम बताना जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, देखिए म्यांमार से गुजरती है, आपका बांग्लादेश से भी गुजरती है और चीन से भी गुजरती है, जबकि नेपाल से नहीं गुजरती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर। ऑप्शन बट इज राइट आंसर भावर। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जंगली गधे मतलब घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको बताना कि भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी राइट है कच्छ किरण। कहाँ पर पाया जाता है? कच्छ किरण में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? आपको उस झील का नाम बताना है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कब होता है? दिन में, रात में, या फिर दिन रात दोनों में होता है? कब होता है? फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईनेक क्या था? ENISE क्या था? फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर का फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं पहले। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर खनिज तेल उत्पादन से। किससे संबंधित है? खनिज तेल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें आपकी छाया सबसे छोटी होती है? देखिए आपको यहाँ पर चार तिथियाँ दे रही है, आपको बताना है कि इनमें से किस तिथि को आपकी छाया सबसे छोटी या फिर गायब हो जाती है, हम कहते हैं गायब भी हो जाती है कभी कभी। देखिए इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 21 जून का होता है। ऐसा 21 जून को होता है क्योंकि सूर्य एकदम हमारे सर के सीधे ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको RRB NTPC GKJS का मॉडल पेपर 91 बताया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पुराने 90 मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए और यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे भी दे दिया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी रिविजन क्लास चालू हो गई है RRB NTPC GKJS की, जिसके अंतर्गत मैं आपको डेली 100 MCQ लेके आता हूँ। जिस भी स्टूडेंट्स को इन 100 MCQ में से 100 मार्क्स में से 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और 80+ वाले तो अपना सिलेक्शन कंफर्म मान ही लीजिएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो डेली वीडियो 100 MCQ देखना चाहते हैं, 30-40 मिनट का वीडियो रहता है, तो यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर हमने लिंक दे दिया है। आई के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पूरा वीडियो खुल जाएगा, आप वहाँ से हमारा सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ेंगे और आपको कट ऑफ जानने में मदद मिलेगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका RRB जोन कौन सा है और आपको कितने मार्क्स आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।